गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। आज दूसरा दिन है चांगलांग में। आज चांगलांग से निकलेगा, रेडी हो गया, बस लास्ट टूर ले रहे हैं चांगलांग का, फिर दोबारा देखने मिले या ना मिले। आप भी देख लो, लाइफ में फिर कभी तो नहीं आएगा होगा। पूरा चांगलांग तो ज़्यादातर जंगल ही दिखते, जो टाउन एरिया है वही टाउन में, लेकिन बहुत कुछ चेंज हो गया। उधर था कुछ आर्मी कैंटीन, और कल वो नदी पे, नदी के सामने में बैठे कल बाकी सब दोस्त लोग से मिल लिया। इसका तभी यहाँ से निकलने का टाइम हो गया, थोड़ा आगे जाके लास्ट देख लीजिए। दूर दूर तो गया नहीं, क्यों बोलने से यार, सब दोस्त लोग भी अपना अपना काम में बिजी हो चुका। मैं एक बेला हूँ, तो बस मार्केट आया, थोड़ा ये एरिया को वापस, लाइफ में आई थिंक लास्ट दोबारा नहीं आएगा। आ भी सकता है इनकेस कोई काम हुआ तो, अदरवाइज इसे घूमने को नहीं आने वाला बिल्कुल, इसीलिए ये जगह को लास्ट देखने आया है। बहुत याद है ये जगह से। तो उसी का करते रहते भाई, बोलना तो बनता है थैंक्स और भाई के लिए, तो बिना बोले तो मेरे अच्छा नहीं। यही कहीं कश कर चुकी, यहाँ का है यार काम करते हुए।
शुभम का इंस्टीट्यूट के ऊपर से चांगलन का व्यू बहुत अच्छा है। इधर रह गया डीसी का क्वार्टर साइड, और ये जो खड़ा है ये मेन मार्केट के ऊपर ही है, और उधर रह गया बस स्टैंड, और इधर रह गया बीएसबी, और उस साइड रह गया मेरा टीचर कॉलोनी, और बाकी नदी पार तो यहाँ से दिख नहीं रहे यार। जो भी बोलो, बहुत ऊपर से अच्छा व्यू आ रहा है चांगलन का, यही से थोड़ा अच्छा पूरा क्लियर व्यू आ रहा है। बाकी जो जो दोस्त चांगलांग आना चाहते हैं वापस आओ यार, टोटली चेंज से चांगलांग देखने में बहुत मज़ा आओ यार, ऐसे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा टाउन है। मेंटेलिटी भी बहुत अच्छा है अभी तो, पहले जैसे हम लोग गुंडागर्दी वाला हम लोग का जैसे नहीं रह गया यार, सब शांति। हम लोग ही था जब बिगड़ेल था शायद, वो जनरल हॉस्पिटल साइड और ये बीएसबी साइड, ना सब तो जानते ही, मैं क्या बताऊँ, बस आपको दिखाना था। बाबा मिलेगा वापस, हाँ जल्दी आ जाएगा, अभी बस के लिए वापस गुवाहाटी वन के पहुँचने से वापस आएगा। ये शुभम भाई था वो पीछे रह गया, अभी बस के लिए यहाँ वेट करना। डायरेक्ट बस में ही चला जाएगा। हाँ जाता है, सीट तो एकदम फूलने लगता है आज तो। बहुत तकलीफ करने के बाद फाइनली मार्केट अप पहुँच गया यार, बैठ के चाय वाय पी लें। बस में टिकट मिला नहीं, जिस वजह से अंदर बैठने का भी जगह नहीं था यार, हालत खराब कर दिया, इसीलिए कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं यार, कोई टिकट भी नहीं था तो खड़ा करके आया, दो घंटा खड़ा किया, अभी मार्केट अप पहुँच गया यार, शाम तक गाँव में खुल गया। यहाँ है और वो बस था जो पीछे वाला ना, एकदम फुल खड़ा करने का जगह भी नहीं था। अभी यहाँ बैठ के चाय पी लेते हैं, और एक दोस्त को बुलाया था वो आने से, उसके साथ थोड़ा देर बात करने का चला जाएगा। अभी वहाँ से चाय वाय पी के यहाँ ट्रेन स्टेशन आ गया। अभी जो अभय भाई या अभय दीक्षित बोल के एक दोस्त ही मिला, बेस बड़ी था यार स्कूल में, अभी बहुत साल हो गया मिला नहीं, उसका जॉब हो गया अभी यहाँ मार्केटा पे, वो सेटल थे तो वो आ रहे हैं मिलने, उसे मिलने का बाद में ये मार्केटा से चला जाऊंगा आई थिंक नार लगन के लिए। आज तो नहीं पहुंच पाऊंगा तो लगभग आज तीन सौ क्या रुकेगा भाई, तो दोस्त का ही वेट चल रहे हो, आ जाए तो अभी उससे मिल के चला जाएगा। यही ट्रेन स्टेशन पे बैठ के वेट कर रहे हैं उसका, या बेग से पटक दिया और आई थिंक वो यहाँ से आएगा। ये दोस्त नहीं जानते कि हम यूट्यूब कर रहे हैं, क्या अभी रिएक्शन देखते हैं क्या बोलते हैं। हाँ वो भी यूट्यूब करते हैं सर्विस मैन होने से भी, उसका चैनल बहुत आगे यार, वो बीच बीच में डालते रहते हैं, लेकिन वो फुल टाइम जॉब पे है, बस ऐसे टाइम पास वो यूट्यूब कर लेते। बैंक मैनेजर सर आ गए इतना साल बाद चांगलांग गया था। कब आया था? हो गया तीन दिन मेरे लगभग। नागालैंड से जैसे याद आ रहेगा, नागालैंड में कब गया था? हो गया एक महीने से। कैमरा के लिए ऑफ द कैमरा तो हो गया था, लेकिन ऑन द कैमरा चल मिलते, आज तो 8-9 साल बाद मिल रहे हैं। ठीक है तो मिलते हैं ना, ठीक है आएगा कुछ दिन में आ जाएगा, चिंता मत करो, तेरा घर में कुछ दिन बिन बुलाए मेहमान आएगा और जाएगा नहीं वापस। ठीक है बाय बाय। तोरा दोस्त को छोड़ के चला गया, उन लोग तो यही पे है, वो भी यही कंटिन्यू यूट्यूब करेगा बोल रहा है आगे से जॉब में, उसको खुशी नहीं है, मुझे भी तोरा प्रॉब्लम है। टाटा। ये था मिस्टर अभय दीक्षित, यही था उसका यूट्यूब चैनल। अभी यहाँ से ट्रेन का टिकट लेना है और यहाँ से चला जाना है। आई होप आपको ये ट्रिप अच्छा लगा हो, और ये वीडियो भी दोस्त से मिला बहुत साल बाद, ये कोई ऐसे एंटरटेनमेंट वीडियो तो नहीं था जब आपको पुराना यादें ताज़ा करना था, इसलिए ये आई होप तब तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।